ये बहुत उलझा हुआ जटिल और एक संश्लिष्ट संकट है। साहित्यकारों को बहुत ही खुशफहमी रहती है कि वो बहुत महान काम कर रहे हैं। मुझे उनसे ये चिढ़ रहती है कि हिंदी के साहित्यकारों को, उनके आलोचकों को, पंडितों को ये संकट दिखता क्यों नहीं है, जिस भाषा में वो रचते हैं उस भाषा की जमीन रोज सरक रही है, इस पर उनका हाहाकार क्यों नहीं मुझे सुनाई पड़ता? और कोई हाहाकार नहीं, केवल मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं, तुम मेरी कृति की प्रशंसा करो, हम एक दूसरे की समीक्षा गोष्ठियां कर ले, मेरी मेरी समीक्षा यहां छप गई तो भाई मैं लिख देता हूं, यही तो चल रहा है अधिकांशतः। ये तो संकट है, इसमें साहित्य समाज को बचा नहीं सकता, साहित्य बचा भाषा को बचा नहीं पाएगा, इसको जो जनमाध्यम है यही बचा सकता, अखबार चैनल बचा सकते, तो नए माध्यम आ रहे हैं वो बचा सकते। तो ये भूमिका हम सब की है, हम जहां जहां अधिकार की स्थिति में हैं वहां वहां हम सबसे कम अपने और अपने बच्चों की भाषा को बचाते बचाने का प्रयास शुरू करें। और समय भी बहुत हो गया है, बातें फिर बहुत ज्यादा लंबी रहेंगी, लेकिन लेने वालों के सारे प्रश्नों को उत्तर दे पाया हूं कि नहीं, लेकिन जो मेरी मेरा सबसे बड़ा दर्द है इस समय, जो आग है जिस सपने दी देती, वो आपके साथ कुछ साझा करने की मैंने कोशिश की। हिंदी के शिक्षकों को भी देखने लगा नहीं लगना चाहिए, बहुत कम। मैं बात करता था तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वहां कम से कम 3-4 हजार हिंदी शिक्षक, मुश्किल से 30-40 लोग होंगे। तो अंतिम बात, अगर संभव हो तो मैं और मेरा पूरा परिवार हम कल मुंबई आके बस जाए।